दोस्तों, अगर आपको मैं कहूं कि क्या आप जानवरों के मांस को खाना पसंद करते हैं, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो जरूर आप कहेंगे हाँ। बहुत सारे लोग जानवरों के मांस को बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें अलग सी बात ऐसी क्या है, जानवरों के मांस को बेचकर तो कोई भी पैसे कमा ही लेगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा मीट स्कैम है। दोस्तों, कोई ऐसा तो नहीं है जो मीट आप खा रहे हैं वो बीमार जानवरों का तो नहीं है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में स्कैम है क्या। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे जगह पे छापा मारा गया और वहाँ पर मरे हुए जानवरों के मीट को सप्लाई करने की तैयारी चल रही थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के स्कैम को तीन तरीके से बांटा गया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेज है, जब भी कोई जानवर की मौत बीमारी के कारण हो जाती है तो उसे गाड़ी उठाने वाले आते हैं जो कि उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे वो उसकी चमड़ी को बेच देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा लालची लोग वो उसके मटन को बेचने की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज ये है कि अब वो मरे हुए मीट को अच्छे मीट के साथ मिक्स कर दिया जाता है और बाद में इसे होटल्स में सप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेज, हम सभी जानते हुए कि बीमार और मरे हुए जानवरों का मीट जल्दी ही खराब होने लगता है। जब भी उसे अच्छे मीट के साथ मिक्स किया जाता है तो ये पूरी तरीके से फ्रेश रहे, इसलिए उसके अंदर केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से बिल्कुल फ्रेश जैसा लगने लगता है। और इस तरीके के मीट खाने के बाद कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया में दोस्तों, इस तरीके के मीट स्कैम हर जगह पे हो रहे हैं। अब ये कंफर्म कर पाना कि जिस होटल में आप खाने के लिए जा रहे हैं क्या उसमें फ्रेश मीट का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर इसी तरीके के बीमार और मरे हुए जानवरों की मीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से दोस्तों जरूर इस पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।